नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि जब चुनाव आते हैं तभी कांग्रेस को मंदिर और भगवान याद आते हैं। अगर लगातार भगवान की पूजा करते रहे तो चुनाव के समय भगवान याद नहीं आते। विभागों के बंटवारे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभी वर्कआउट कर रहा हूं, जल्द ही विभागों का बंटवारा होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है, केवल कमेंट करने का ही काम है। प्रदेश में कांग्रेस जो सत्यानाश करके गई है उसका परिणाम मध्य प्रदेश की जनता भुगत रही है। जल्दी कर लूंगा, आप क्यों चिंता करो, मेरा काम है। अरे वर्कआउट यार सोच समझ के करना पड़ता है। कांग्रेस के पास और कोई काम ही नहीं, तो कमेंट करने का काम है। अब वो कमेंट करते रहे लगातार, बाकी क्या करना है, काम तो हमें करना है, उनको कमेंट करना है। पहले वहाँ के मुख्यमंत्री बताओ, उन्हें तो दारूबंदी की घोषणा हाथ में गंगा जल लेके करी थी, यहाँ बात कर रहे हैं। सर शत्रुघ्न सिन्हा को भी अब एमपी की याद आ रही, बड़े ट्वीट कर रहे हैं। याद तो शुरू कर दिया है चुनावी प्रचार अभियान, मंदिर से पीतांबर भी जाएंगे, वहाँ से प्रचार अभियान शुरू। जब चुनाव आते हैं तभी कांग्रेस को मंदिर और भगवान याद आते हैं। अगर लगातार भगवान की पूजा करते रहें तो चुनाव के समय याद थोड़ी आए। सर बदनावर की रैली में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं टाइगर नहीं, मैं महाराज नहीं, मैंने चाय नहीं बेची, मैं कमलनाथ। हम भी तो वही कह रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश का सत्यानाश कर गए वो, और जो कुछ उन्होंने किया है उसका परिणाम मध्य प्रदेश भुगत रहा, वो हम जनता के सामने ले जाएंगे। सर 30% जो है कटौती की है सिलेबस में, सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में देखिए, एमपी बोर्ड तो हो गया पर हमारे तो 12th तक के एग्जाम निपट गए, इसलिए वो कोई इशू नहीं। सर वो हम देखेंगे, विभागों का बंटवारा सर कल परसों। सर अब आपने कहा है कि हम परत दर परत खोलेंगे, चिट्ठी खोलेंगे, उसका तो पूरी जानकारी हम देंगे, लेकिन कांग्रेस ने के अंदर 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे ये घोषणा की थी, और कुल मिला के 6,000 करोड़ का 7.5 साल में, और वो भी पूरा अमल नहीं हुआ, कई को तो कागज पकड़ा दिए, और जो कागज पकड़ा है कर्ज मुक्ति के उनके लिए धन की व्यवस्था नहीं की। अब जब मैंने बजट की बैठक की तो तब मुझे पता चला कि ये तो पुराने पैसे जिनके प्रमाण पत्र बढ़ गया उनके जमा करने, तो कुल मिला के ये जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है, और वो हम जनता के सामने लाएंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.